अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फैज़ान स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी बसेस। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल हर चीज़ लॉकडाउन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पाकिस्तान की टॉप बस कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप इन बसेस पर ट्रैवल कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको रोड मास्टर बस कंपनी की कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें बताऊँगा जो कि बाकी कंपनीज नहीं प्रोवाइड कर रही। दोस्तों, रोड मास्टर बस कंपनी 2019 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई, जो कि ये लाहौर था इस्लामाबाद और इस्लामाबाद था लाहौर के रूट को कवर कर रही है। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं जो कि बहुत ही यूनिक वन है, एंड ये दूसरी कंपनी इनके करीब भी नहीं पहुंची, तो उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा। व्यूअर्स, रोड मास्टर क्लेम करते हैं कि इनका जो टर्मिनल है वो पाकिस्तान में बेस्ट टर्मिनल है, एंड ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। उसकी कुछ खासियत मैं आपको बताता चलूँ, तो इनके टर्मिनल पर आपको मतलब सिर्फ सिंपल बाकी टर्मिनल्स की तरह नहीं कि आप टिकट लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे और बोर होंगे अपनी बस के वेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मास्टर कलेक्शन देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको गिफ्ट्स वगैरह, सुवेनियर्स वगैरह, ब्यूटी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं, ताकि आप अपने प्यारों के लिए वहाँ से गिफ्ट वगैरह बाय कर सकें। इसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले लैंड किड्स क्लब बनाया गया है, जहाँ पे काफ़ी गेम्स वगैरह हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को इंगेज किया जा सकता है। एंड इसके बाद अगर आप अपने कपड़े वगैरह या कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहते हैं, तो आपके वार्डरोब के लिए यहाँ पर मास्टर फैशन शॉप भी बनाई गई है। इसके बाद अगर आप अपनी डेस्टिनेशन पर फ्रेश होकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी लुक में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मास्टर पीसेस हेयर सलून है, जहाँ से आपको हेयर सलून एंड हमाम की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे टर्मिनल्स पे एक और अच्छी चीज़ जो कि यूनिक चीज़ मैंने देखी, वो ये है कि यहाँ पे आपको जैसा एयरपोर्ट्स पे बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगे होते, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि ये फ़्लाइट यहाँ जा रही है, इस डेस्टिनेशन पे जा रही है, इस टाइम इसका रवानगी का टाइम है। तो यहाँ पर भी ये ऐसा काम किया गया है, यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ रूट्स की इंफॉर्मेशन दी गई होती है। अब यहाँ पर इसकी बस के अंदर की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता तो चलूँ, तो ये पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट बस है विथ 49 सीट्स, एंड ये आपको बस के अंदर ईगल आई सर्विलेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको आपकी जर्नी में थ्रू आउट योर जर्नी आपको मतलब मॉनिटर किया जाता है, इन केस आपके साथ कोई मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो जाए तो आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, इससे प्रोटेक्शन दी जाती है। ये पाकिस्तान की पहली कंपनी है जो कि ईगल आई सर्विलेंस प्रोवाइड कर रही है। एंड यहाँ पे एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, ये क्लेम करते हैं कि फर्स्ट कंपनी है जो कि बस के अंदर प्रोवाइड कर रही है, आपकी बस के अंदर कैबिन को क्लीन रखती है, रिफ्रेश रखती है, ताकि आप अपनी सांस इजीली ले सकें। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम ऑन टाइम एवरी टाइम मतलब शेड्यूल पे आपको बस रवाना करवाते हैं। मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, गूगल पे मैं रिव्यूज़ देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि मतलब हमारे 3 पैसेंजर्स थे पूरी बस में, लेकिन रोड मास्टर ने बस को रवाना किया। तो ये एक यूनिक चीज़ है, ये पहले डाइवो एक्सप्रेस करते थे कुछ ऐसा पहले, लेकिन अब वो ऐसा काम नहीं करते, वो तो बस को ड्रॉप कर देते हैं जब पैसेंजर्स कम हो, तो रोड मास्टर ऐसा काम कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पे एस इंटरटेनमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, जो कि बाकी कंपनीज की तरह नॉर्मल ही है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर इन्होंने थोड़ी इनोवेशन ब्रिंग की है। एंड फ्री वाईफाई ये देखते हैं, कुछ कंपनीज क्लेम करते हैं लेकिन प्रोवाइड नहीं कर रही होती, लेकिन रोड मास्टर हमें ये प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, रोड मास्टर बस कंपनी पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छी बस कंपनी है। इनकी जो आप टर्मिनल पर जाएँ, तो एक तो अंदर से टर्मिनल के लाउंज वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पे टक शॉप वगैरह हर चीज़, हर फैसिलिटी वगैरह। जो यहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं वो भी मतलब बाहर के मुल्कों के फॉरेन कंट्रीज़ के टर्मिनल्स की तरह, मतलब अराइवल एंड डिपार्चर बेस बनाई गई हैं, वो लाइन लगी होती हैं, 8-9 बसेस के लिए अलग-अलग सेपरेट जगह बनाई गई हैं। काफ़ी वेल मैनर्ड इनका स्टाफ है, इनकी बसेस काफ़ी खूबसूरत हैं, इनकी बसेस काफ़ी लग्जरी हैं, गोल्डन एंड वाइट कलर के कम्बिनेशन में इनकी सीट्स हैं, तो किंग लॉन्ग की बसेज हैं इनके पास, एंड ये लाहौर इस्लामाबाद के लिए जाती हैं। अगर फेयर आपको बताता चलूँ, तो इनकी बस में मुख्तलिफ फेयर्स हैं, मतलब जो फ्रंट वाली सीट है उनका फेयर डिफरेंट है, बैक वाली सीट्स का फेयर डिफरेंट है, मतलब आई थिंक सो 1300 से ये स्टार्ट होता है और 1800 तक इनके फेयर्स हैं। तो दोस्तों, रोड मास्टर बस कंपनी पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी बस कंपनी है। मैं कुछ दिन बाद इन पर ट्रैवल करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही ट्रैवल कर लेना था, मैं ट्रैवल लॉग लाने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आजकल सारी बसेज जो हैं वो शट डाउन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको मतलब किसी भी और बस कंपनी की इस तरह की यूनिक इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो कमेंट में मुझे उस कंपनी के बारे में बताएं, मैं आपको उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।